और बात कर लेते हैं पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान की, जिसके गिलगित बाल्टिस्तान में बगावत की आग ऐसे धधक रही है कि पाकिस्तान खंड खंड होने की कगार पर खड़ा है। पाकिस्तानी आर्मी चीफ जनरल मुनीर ने अब बगावत को काबू में करने के लिए एक नया पैंतरा चला है। गिलगित बाल्टिस्तान में यही चल रहा है। फॉलो करगिल का रास्ता, फॉलो हमारा तारीखी रास्ता। गिलगित बाल्टिस्तान में धारा 144 लगी है, लेकिन स्कर्दू, हंजा, तियामीर जैसे शहरों में सड़क पर बगावत की ज्वाला धधक रही है। तो हम करगिल जाके दिखाएंगे। इंटरनेट बंद है, मोबाइल बंद है। पाकिस्तान की फौज बगावत की आवाज को दबाने की हर मुमकिन कोशिश कर रही है, लेकिन हर गुजरते दिन के साथ बगावत और बुलंद होती जा रही है। पाकिस्तान में सरकार को कंट्रोल कर रहे आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर को सूझ नहीं रहा कि आखिर कैसे गिलगित बाल्टिस्तान में बगावत को काबू किया जा सके। गिलगित बाल्टिस्तान के लोगों में पाकिस्तान को लेकर इतनी नफरत भर गई है कि पाकिस्तान समर्थक माने जाने वाले पूर्व सीएम खुर्शीद खान के काफिले को निशाना बनाया गया। गिलगित बाल्टिस्तान के लोग अब बुलंद आवाज में कह रहे हैं, हमें पाकिस्तान में नहीं रहना, हमें भारत के साथ मिलना है। हमें नहीं जाना तुम्हारे मुल्क में। खोलो करगिल का रास्ता, खोलो हमारा तारीखी रास्ता। पाकिस्तानी हुक्मरानों और फौज की जोर जबरदस्ती से गिलगित बाल्टिस्तान में पहले ही नाराजगी थी, लेकिन शिया मौलाना आगा बाकिर अल हुसैनी के खिलाफ हुए एक्शन के बाद सड़क पर इंसानी सैलाब उतर आया है। गिलगित बाल्टिस्तान की आबादी लगभग 20 लाख है। आबादी में शिया मुसलमानों की तादाद 8 लाख से ज्यादा है। शिया मुसलमान सुन्नी मौलानाओं, पाकिस्तानी आर्मी और करप्ट नेताओं से पहले ही नाराज थे। अब मौलाना आगा बाकिर अल हुसैनी के खिलाफ एक्शन ने इस असंतोष के ज्वालामुखी को भड़का दिया। जो उनके हक में है, कहते हैं कि अगर आपने इनके खिलाफ जो पर्चा है वो बंद नहीं किया, वो खत्म नहीं किया, और ये जो रोडें हैं अगर ये नहीं खोली, कोई बात नहीं, हम दूसरी रोड जो हमारा तारीखी जो की का रास्ता है कारगिल का, मतलब हिंदुस्तान के साथ, वो खोल। पाकिस्तान के कब्जे से आजादी के लिए इस बार गिलगित बाल्टिस्तान में आर पार की जंग चल रही है। बगावत को काबू करने के लिए जनरल आसिम मुनीर ने 20,000 अतिरिक्त फौजियों को गिलगित बाल्टिस्तान भेजा है, लेकिन हालात काबू नहीं हो रहे। ऐसे में आर्मी चीफ मुनीर ने अब मजहब का सहारा लिया है। मुनीर खुद शिया है। मुनीर ने अब 4 मौलानाओं को गिलगित भेजा है, लेकिन गिलगित के लोग इस बार किसी की नहीं सुनने वाले। मैं तो गिलगित बाल्टिस्तान का हूँ, पाकिस्तान के साथ मेरा क्या ताल्लुक है? मेरा इसरो पे इतना ताल्लुक है कि वो गंदम देते, हम उनको पानी देते। आइन का आर्टिकल 1 जोग्राफिया डिफाइन करते जिसमें हमारा वहाँ पे नाम नहीं है। दूसरा आपके असेंबली है, कौमी असेंबली और सेनेट में नुमाइंदगी होनी चाहिए, वो है नहीं। सुप्रीम कोर्ट के दायरा अख्तियार में होना चाहिए, वो है नहीं। इवन आपके नक्शे में मौजूद नहीं है, तो हम कैसे कहेंगे जी हम पाकिस्तानी है। खंड खंड होने की कगार पर खड़े पाकिस्तान में ये बगावत का पहला चैप्टर नहीं। पीओके में आवाम पहले ही पाकिस्तान से नाराज है। खैबर पख्तूनवा, सिंध और बलूचिस्तान में भी बगावत की आग धधक रही है। यानी वो वक्त दूर नहीं जब पाकिस्तान खंड खंड होकर बिखर जाएगा। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहु साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहु, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर।
एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।